अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों। तो आज हम क्लास नाइन्थ चैप्टर नंबर थ्री पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज के एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। और मजे की बात यह है कि आपको इन शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मैंने वहां पर लिंक दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करें, आपके पास सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो करना क्या है, आपने सिर्फ कानों में लगाए हैंड फ्री, इधर उधर की डिस्ट्रैक्शन से बचें और फुल कंसंट्रेशन के साथ इन क्वेश्चन के आंसर को रीजन के साथ समझें। ओके, तो नोट आप ना करें, आपको नोट्स मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां से आप नोट्स डाउनलोड करें और यहां से आप समझें। ओके, तो स्टार्ट करें। वेरी गुड। तो फर्स्ट बेटा आपके पास क्वेश्चन है, Why nodal gases are not reactive? आपके पास जो nodal gases होती हैं, periodic table में last group जो होता है आपके पास बेटा, उनको nodal gases बोलते हैं। ओके, helium, neon, argon, krypton, xenon और radon। अब वो पूछ रहे हैं कि आपके पास जो nodal gases हैं, ये non reactive क्यों होती हैं, ये react क्यों नहीं करती। तो उसका reason क्या है, बहुत simple है। Noble gases are not reactive because all noble gases have completely filled outermost shell. बेटा याद रखेंगे कि जो आपके पास noble gases हैं, उनका outermost shell आपके पास already complete होता है। Okay? अब याद रखें कि जो भी atom वो bond बनाता है ना, तो वो stability के लिए बनाता है, और कोई भी एटम स्टेबल तब होता है जब उसका आउटर मोस्ट शेल में कंप्लीटली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। और जो नोबल गैसेस हैं, ये तो ऑलरेडी ही इनका वैलेंस शेल फिल होता है, तो इसी वजह से ये ना तो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, ना इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो याद रखेंगे कि जो नोबल गैसेज हैं, उनका आउटर मोस्ट शेल ऑलरेडी ही फिल्ड होता है, कंप्लीट होता है। So that's why noble gases do not show any reactivity. आपके पास noble gases किसी भी किस्म की reactivity show नहीं करती, और इनको हम inert gases भी बोलते हैं। ओके, अब मैंने यहां पर इनकी जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन लिखी है, NS2 NP6। ओके, तो 2N6 8 इलेक्ट्रॉन, तो देखें S में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये ऑलरेडी इनका जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। दैट्स व्हाई नोबल गैसेस आर नॉन रिएक्टिव। क्वेश्चन नंबर टू है आपके पास, व्हाई सीजियम जिसका एटॉमिक नंबर 55 है रिक्वायर्ड लिटिल एनर्जी टू रिलीज इट्स वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। बेटा जो आपके पास सीजियम है वो पूछ रहा है कि एटॉमिक नंबर इसका 55 है, इसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, उसको निकालने के लिए थोड़ी सी एनर्जी क्यों चाहिए होती है। तो यहां पर देखिए, ये मैंने लिखा है, ये ग्रुप नंबर वन है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, और ये आपके पास सीजियम आता है। ये पीरियोडिक टेबल में पीरियड नंबर 6 है। अब आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जोन सा पीरियड नंबर होता है उसके अंदर उतने ही शेल्स प्रेजेंट होंगे, तो सीजियम बेटा इस 6 पीरियड में है, तो इसके अंदर 6 ही शेल्स प्रेजेंट होंगे। तो यहां पर देखिए, एक मैंने रफली सा इसका एक एटॉमिक स्ट्रक्चर इसका रिप्रेजेंटेशन कर दिया है शेल्स की। तो देखिए आपके पास ये सीजियम का न्यूक्लियस है और 6 शेल्स मैंने ड्रॉ किए हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, और ये मैंने अंदर इनर इलेक्ट्रॉन्स भर रखे हैं। अब ये आप देख रहे हैं कि ये जो आखिरी वाला शेल है, इसको हम कहेंगे वैलेंस शेल ऑफ सीजियम, और इसमें ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, इट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सीजियम। अब वो आपसे बेसिकली क्वेश्चन ये कर रहा है कि इस आखिरी इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालने के लिए थोड़ी सी एनर्जी क्यों चाहिए होगी। तो देखो बेटा, यहां पर इनर्ट इलेक्ट्रॉन कितने ज्यादा है। ओके, तो यहां पर शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा है। अब शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा है तो मतलब कि इस न्यूक्लियस की जो इस इलेक्ट्रॉन पर स्ट्रेंथ है वो बहुत कम है, क्योंकि यहां पर देखो ये इलेक्ट्रॉन सभी पर नेगेटिव चार्जेस हैं, तो इनकी रिपल्शन की वजह से इस न्यूक्लियस की जो इस इलेक्ट्रॉन पर
जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज्यादा है, साइज कितना बड़ा है इसका, ओके साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ भी कम हो जाती है ड्यू टू इंक्रीजिंग शील्डिंग इफेक्ट। तो शील्डिंग इफेक्ट की वजह से आपके पास ये थोड़ी सी एनर्जी इसको देनी पड़ेगी, ये इलेक्ट्रॉन आपका निकल जाएगा। उसकी रीजन यही है कि इस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ बहुत कम है, ओके तो इसी चीज को मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। दिस इज बिकॉज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन डिक्रीज, ओके ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। एटॉमिक साइज बढ़ गया तो अंदर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो आपके पास शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा तो न्यूक्लियस की जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी और वो इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, हाउ पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। बेटा जो आपके पास पीरियोडिसिटी है, पीरियोडिसिटी बेसिकली क्या है कि रेपिटिशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो वो आपसे पूछ रहा है कि जो आपके पास पीरियोडिसिटी है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर कैसे डिपेंड करती है। तो आपके पास इसका आंसर है, द पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम बिकॉज दे वेरी व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप। बेटा याद रखें कि जो आपके पास एटॉमिक नंबर है जिसको आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बोलते हैं, जब आप लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो वो वैरी करता है वन बाय वन। जैसे आप हाइड्रोजन से चले, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, तो वन बाय वन करके इनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके पास चेंज होते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो पीरियोडिसिटी है वो भी चेंज हो जाती है। तो आप ये कहेंगे कि आपके पास जो पीरियोडिसिटी है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पर, क्योंकि वो वैरी करती है जब आप लेफ्ट से राइट मूव करते हैं और टॉप से बॉटम भी मूव करें, तो आपके पास जो एटॉमिक नंबर है या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो चेंज हो रहे होते हैं। ओके तो ये इसका सिंपल सा आंसर था। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई शील्डिंग इफेक्ट मेक्स कैटायन फॉर्मेशन इजी। वो आपसे कह रहा है, रीजन पूछ रहा है, रीजनिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो जो आपके पास शील्डिंग इफेक्ट है वो कैटायन फॉर्मेशन को इजी क्यों बना देता है। अब कैटायन फॉर्मेशन का क्या मतलब है बेटा, कैटायन किसको कहते हैं जिस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और पॉजिटिव चार्ज कब आता है, व्हेन एन एटम लॉस इलेक्ट्रॉन। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और उसको हम क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं। वेरी गुड। अब वो आपसे यही क्वेश्चन कर रहा है कि शील्डिंग इफेक्ट कैटायन फॉर्मेशन को इजी क्यों कर देता है। तो इसका आंसर क्या है, देखें ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने इन्वर्टेड कॉमास में लिखी है, द ग्रेटर द शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स द लेसर विल बी द व्हेन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस अट्रैक्शन। वो कह रहा है कि आपके पास शील्डिंग इफेक्ट जितना ज्यादा होगा, बेटा शील्डिंग इफेक्ट क्या है देखिए, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता शील्डिंग इफेक्ट का वो नीचे से लिंक पर क्लिक करें, शील्डिंग इफेक्ट का टॉपिक समझे, फिर यहां पर आके शॉर्ट क्वेश्चन करें। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या है कि इनर इलेक्ट्रॉन की वजह से न्यूक्लियस और जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है, उसको हम सिंपली क्या नाम देते हैं, शील्डिंग इफेक्ट का। अब याद रखेंगे कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट होगा ना, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो उतनी ही कम हो जाती है। ओके तो इन्वर्टेड कॉमास में मैंने यही बात लिखी है, तो इससे होगा क्या, एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज। अब जैसे ही न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाती है, द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन
बिकम मोर इजी। तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है और लेस एनर्जी, थोड़ी सी एनर्जी चाहिए होगी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सीजियम वाले केस में देखा। ओके, साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है वहां से। हिंट, आप ये कह सकते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट मेक्स कैटायन फॉर्मेशन इजी। तो जितना ज्यादा शील्डिंग इफेक्ट होगा उतनी ही कैटायन फॉर्मेशन भी आपके पास ज्यादा होगी। सो मोर शील्डिंग इफेक्ट इजी टू रिमूव दी इलेक्ट्रॉन्स। ओके प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेंडलीव पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। बेटा इन दोनों लॉज में क्या डिफरेंस है? तो पहले हम देखते हैं कि मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या कहता है और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किस पर बेस करता है। तो आइए डेफिनेशन, इनके लॉज पहले लिखे मैंने। मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या है? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। आपको याद होगा कि जो आपके पास मॉडर्न सॉरी मेंडलीव पीरियोडिक लॉ है, इसमें एटॉमिक मासेस की बेस पर एलिमेंट्स को अरेंज किया था। ओके, तो यही इसने लॉ दिया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है वो आपके पास क्या है? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। और जो आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है ये एटॉमिक नंबर पर बेस करता है। दोनों में बस यही डिफरेंस है कि जो आपके पास मेंडलीव पीरियोडिक लॉ है ये एटॉमिक मास पर बेस करता है और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आपका एटॉमिक नंबर पर बेस करता है। अब अगर इन दोनों में डिफरेंस देखें कि व्हाट इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन दीज टू लॉज, तो आप क्या कहेंगे? मेंडलीव पीरियोडिक लॉ बेस्ड अपॉन एटॉमिक मास which is not fundamental property of an element। बेटा जो आपके पास एटॉमिक मास है ये एलिमेंट की फंडामेंटल प्रॉपर्टी नहीं है। ओके, बट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ डिपेंड्स ऑन एटॉमिक नंबर, ये एटॉमिक नंबर पर बेस करती है, विच इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, जो आपके पास एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ओके, अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज हो सकता है कि वाई ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपीज पर इसको एडिशनल लिखेंगे, आपको बुक पर भी इसका आंसर मिल जाएगा, बॉक्स बना होगा आपका जब आपका चैप्टर स्टार्ट होता है ना, तो आई थिंक थर्ड या सेकंड पेज है, उस पर आपको तीन कलर का बॉक्स मिल जाएगा, वहां पर इसका आंसर आपको मिल जाएगा। आप यहां पर नोट भी कर सकते हैं कि वाई एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन एटॉमिक मास, कि आपके पास एटॉमिक नंबर क्यों ज्यादा फंडामेंटल है, क्यों ज्यादा बेसिक है, क्यों ज्यादा ऑथेंटिक है एज कंपेयर टू एटॉमिक मास। तो इसका आंसर क्या होगा? बिकॉज एटॉमिक नंबर फिक्स्ड फॉर एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट का एक अलग ही एटॉमिक नंबर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बेटा मैं बात करूं ना कार्बन की, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में एक कार्बन ही ऐसा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 6 है। ओके, अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन की, तो पूरे पीरियोडिक टेबल में एक ऑक्सीजन ही है जिसका एटॉमिक नंबर 8 है। तो याद रखेंगे कि फर्स्ट रीजन आप ये लिखेंगे कि एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट का क्या होता है, 6 होता है। सेकंड क्या है? इंक्रीज वन बाय वन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये वन बाय वन करके इंक्रीज करता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। लेकिन एटॉमिक मास ऐसा नहीं था। आप पीरियोडिक टेबल देखें, हाइड्रोजन से जब हीलियम पर आते हैं तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, हीलियम का 4 है। ओके, तो वो रेगुलरली इंक्रीज नहीं करता जबकि एटॉमिक नंबर रेगुलरली इंक्रीज करता है। तो ये सेकंड रीजन है आपके पास। थर्ड है आपके पास, नो टू एलिमेंट्स हैव सेम एटॉमिक नंबर, किसी भी दो एलिमेंट्स का सेम एटॉमिक नंबर नहीं होता। ओके, तो ये आपके पास बेसिक डिफरेंस था बिटवीन मेंडलीव पीरियोडिक लॉ एंड मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज मीन्ट बाय ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल। आय हाय, इतना हलवा क्वेश्चन। अच्छा, कुछ क्वेश्चन इतने आसान होते हैं कि आपको पहले ही पता होता है कि ये बुक पर हमें कहाँ मिल जाएंगे। ओके, हाँ, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड नहीं होते, जनरल क्वेश्चन होते हैं जहां पर हाउ वाई इस तरह के रीजनिंग क्वेश्चन आ जाते हैं, फिर बच्चे का माइंड काम करना बंद कर जाता है कि यार यहाँ पर क्या इसका आंसर होगा। तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, आइए इसको देख ले। ग्रुप किसे कहते हैं? द वर्टिकल कॉलम्स ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड ग्रुप्स, ऊपर से नीचे आपके पास ग्रुप्स होते हैं, एंड हॉरिजॉन्टल रोज इन पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड
पीरियड्स, ओके। और एमसीक्यू के लिए भी आप याद रखेंगे कि पूरे पीरियोडिक टेबल में 18 ग्रुप्स हैं, ओके, और 7 पीरियड्स हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई एंड हाउ एलिमेंट्स आर अरेंज इन फोर्थ पीरियड। हाँ, ये क्वेश्चन बनता है जहां पर बच्चे को समझ नहीं आ रही होती कि इसका आंसर रीजन के साथ कैसे लिखना है। व्हाई एंड हाउ, कैसे और क्यों, उसने पूछा आपसे कि व्हाई एंड हाउ एलिमेंट्स आर अरेंज इन फोर्थ ग्रुप। जो आपका फोर्थ ग्रुप है, आई थिंक यहां पर फोर्थ पीरियड है, ग्रुप नहीं है। यहां पर बच्चों आप करेक्शन करें इसको, फोर्थ पीरियड आएगा। हाँ, व्हाई एंड हाउ एलिमेंट्स आर अरेंज इन फोर्थ पीरियड, जी, कि फोर्थ पीरियड में एलिमेंट्स को कैसे और क्यों अरेंज किया गया, उसका रीजन क्या है। देखें, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फोर्थ पीरियड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट आर रिक्वायर्ड टू फिल अप द फोर्थ शेल। देखें फिर इसका क्या मतलब हुआ प्यारे बच्चे, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि फोर्थ पीरियड में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। 18, याद है? हाँ, याद रखें कि आपके पास ग्रुप जो आपका पीरियड नंबर 4 है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और जो आपके पास फोर्थ शेल होता है उसमें हमने इलेक्ट्रॉन भी 18 ही फिल करने होते हैं, सही है। तो अब 18 इलेक्ट्रॉन चाहिए उनको फिलअप करने के लिए, तो 18 एलिमेंट्स ही उस पीरियड में रखे गए हैं, सही है। तो यही बात जरा गौर से पढ़े, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फोर्थ पीरियड, फोर्थ पीरियड में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है इज इक्वल, वो इक्वल है किसके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर रिक्वायर्ड, उन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के जो रिक्वायर्ड हैं किस लिए, टू फिल अप द फोर्थ शेल, चौथे शेल को फिल करने के लिए, सही है। चौथा पीरियड है तो 4 ही शेल होंगे उसके अंदर, वेरी गुड। अब द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी अकोमोडेटेड इन फोर्थ शेल इज 18, और चौथे शेल में ज्यादा से ज्यादा 18 इलेक्ट्रॉन्स ही फिलअप किए जा सकते हैं, तो इसी वजह से फोर्थ पीरियड में 18 इलेक्ट्रॉन्स भी रखे गए हैं, सही हो गया। सो फोर्थ पीरियड कंटेन 18 इलेक्ट्रॉन्स, और फोर्थ पीरियड को हम क्या नाम देते हैं, लॉन्ग पीरियड का नाम देते हैं, ओके। जब ये आप पीरियड्स पढ़ के आए हैं पीरियोडिक टेबल में, आपका एक लेक्चर भी उस पर है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीरियड्स के बारे में इन डिटेल इंफॉर्मेशन मैंने दी है, वहां से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इनको हम लॉन्ग पीरियड कहते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इसमें एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ओके, वेरी गुड। अच्छा, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई द साइज ऑफ एटम डज नॉट डिक्रीज रेगुलरली इन अ पीरियड। ये भी रीजनिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी कोचिंग क्लास में पूछा जाता है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि व्हाई द साइज ऑफ एटम डज नॉट डिक्रीज रेगुलरली इन अ पीरियड। अब हमें ये तो पता है कि व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड द एटॉमिक साइज डिक्रीज, डिक्रीज होता है लेकिन रेगुलरली नहीं होता। वही आपसे रीजन पूछ रहा है कि रेगुलरली डिक्रीज क्यों नहीं होता, उसकी रीजन क्या है। द साइज ऑफ एन एटम डज नॉट डिक्रीज रेगुलरली इन अ पीरियड ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट। बेटा, शील्डिंग इफेक्ट लेफ्ट से राइट आपका रिमेन सेम रहता है, सही है। जैसे सेकंड पीरियड की बात करें तो पूरा सेकंड पीरियड जो है उसके अंदर 2 ही शेल हैं, तो कोई शील्डिंग इफेक्ट नहीं है, मतलब नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ रहे अलोंग पीरियड, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता है, तो उससे होगा क्या कि वहां पर शील्डिंग इफेक्ट पुअर है, ओके। नेक्स्ट देखें आप, अब ये जो शील्डिंग इफेक्ट है याद रखेंगे, दिस इफेक्ट इज मोर इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स इन विच डी एंड एफ सबशेल इन्वॉल्व। ये जो शील्डिंग इफेक्ट है ये बिगर साइज एटम जो होते हैं उन्हीं में देखने को मिलता है, ठीक है, जिसमें डी सबशेल इन्वॉल्व हो जाए या बस एफ सबशेल, जो बड़े बड़े एलिमेंट्स हैं उन्हीं में शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा देखा जाता है, ज्यादातर ट्रांजिशन एलिमेंट डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में ये आपको शील्डिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। अच्छा, दी एटॉमिक साइज फर्स्ट रिड्यूस, पहले तो आपका एटॉमिक साइज रिड्यूस होता है,
एंड देन इंक्रीज इन इट, और आहिस्ता आहिस्ता फिर इंक्रीज भी होता है ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो याद रखेंगे कि एटॉमिक साइज रेगुलरली आपके पास डिक्रीज नहीं होता, पहले डिक्रीज होता है फिर इंक्रीज होता है ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, रीजन के साथ आपने इसका आंसर देना है। और ये रिमेंबर दैट शील्डिंग इफेक्ट रिमेन सेम अलॉन्ग पीरियड, और हमने इसका जो ट्रेंड था शील्डिंग इफेक्ट में भी मैंने आपको ये कवर करवाया था कि जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो तब आपका शील्डिंग इफेक्ट क्या रहता है, सेम रहता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ रहे। लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, गिव द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन अ पीरियड। जब आप लेफ्ट से राइट पीरियड में मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ट्रेंड बनता है। अच्छा याद रखें, उसने आयनाइजेशन एनर्जी पूछा है, वो इसको चेंज भी कर सकता है, आपसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पूछ सकता है, वो आपसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पूछ सकता है। और रिमेंबर दैट द ट्रेंड ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम अलॉन्ग पीरियड एंड फ्रॉम टॉप से बॉटम। सही है, तो तीनों का ट्रेंड आपके पास सेम है। जरा आंखें खोलकर ध्यान ये रखना है कि उसने आपसे पीरियड का पूछा है या ग्रुप्स का पूछा है। ओके, तो इसका क्या आंसर बनेगा, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम जानते हैं कि जब हम लेफ्ट से राइट मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू आपकी इंक्रीज करती है। उसकी रीजन क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज। बेटा लेफ्ट से राइट पीरियड में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं। ओके, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब लेफ्ट से राइट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं तो न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ बढ़ेगी। अब न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल है, तो उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, उतनी ही एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए। ओके, अच्छा पहला समझ आ गया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। ओके, इफेक्टिव मतलब प्रोटॉन्स की स्ट्रेंथ बढ़ रही है, इसका भी मीनिंग वही है। थर्ड आपके पास क्या है, शील्डिंग इफेक्ट रिमेन सेम। आपका लेफ्ट से राइट शील्डिंग इफेक्ट रिमेन सेम, मैंने यहां ब्रैकेट में लिखा है, देखिए एड इलेक्ट्रॉन्स इंटर एडिड, यहां पर आएगा एडिड इलेक्ट्रॉन्स इंटर इन द सेम शेल ड्यू टू विच एटॉमिक साइज डिक्रीज, जिसकी वजह से साइज भी आपका डिक्रीज कर सकता है। यहां पर आप फोर्थ रीजन लिख सकते हैं, एटॉमिक साइज डिक्रीज। ओके, तो ये फोर रीजन से आपके पास साइज डिक्रीज होगा तो न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ बढ़ेगी, न्यूक्लियस की स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी आपको इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। तो ये फोर रीजन हैं आपके पास जिसकी वजह से आयनाइजेशन एनर्जी आपकी बढ़ती है लेफ्ट से राइट। अच्छा, अब ये सारे आपके 9 क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज के, आपको मैं दोबारा याद करवा दूं कि इस क्वेश्चन के आंसर्स आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सो नोट्स आपको कहां पर अवेलेबल होंगे, ये आपकी ईज के लिए कि आपको यहां पर समझे, पर नोट्स आपको मिलेंगे लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ओके प्यारे बच्चों, तो आप डिस्क्रिप्शन पे जाएं, वहां पर आपको एक लिंक मिलेगा जिस पर क्लिक करें, आपके सामने एक पीपीटी फाइल ओपन होगी जिसमें आपको हर क्वेश्चन का आंसर, यही आंसर जो यहाँ पर थे इजी वर्डिंग में, आपको वहां पर मिल जाएंगे। उससे आप स्क्रीनशॉट ले लें, वहां पर अपने हैंड रिटन नोट्स बनाना चाहें वहां से आप देखकर बना सकते हैं। ओके, होप सो आपको ये लेक्चर, आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। ओके, नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट, अल्लाह हाफिज एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।